हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गुलाब के फूलों से बनने वाले गुलकंद की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 25 से 30 गुलाब के फूल लिए हैं। सबसे पहले हम इन फूलों को धोकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर इन फूलों से हम पंखुड़ियों को अलग कर लेंगे। गुलकंद खाने में तो टेस्टी लगता ही है, इसके साथ साथ ही यह सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक कब्ज़ की समस्या को दूर करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और मुंह के छालों को ठीक करता है। इस प्रकार हम सारे फूलों की पत्तियों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने चीनी ले ली है, चीनी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है। अब इन गुलाब की पत्तियों को हम हाथ में ले लेंगे और इसमें थोड़ी सी चीनी डालकर दोनों हाथों से हमें इसको इस तरह से मसल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पत्ती और चीनी को मसल लेंगे। इस तरह से हमारी सारी पत्तियां मसल कर तैयार हो गई हैं और ये चीनी बच गई है। अब गैस पर एक पैन रखकर इसमें मसली हुई पत्तियां डाल देंगे। इसे आप ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ी चीनी और डाल सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे। गुलकंद को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसका यही तरीका है, ये फटाफट बनके 2 मिनट में तैयार हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी कांच की बोतल में गुलाब की पत्तियां, चीनी, शहद सारी चीज़ें एक साथ डालकर इसे धूप में रख दें। पर इस तरह के गुलकंद को बनने में 6 से 7 दिन का टाइम लगता है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ डाल देंगे और 2 इलायची का पाउडर डाल देंगे जिसे मैंने चीनी के साथ पीस कर रखा है। मिला देते हैं इसे। सौंफ भी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच शहद डालेंगे। इसमें शहद इसलिए डाली जाती है कि इससे चीनी का क्रिस्टलीकरण ना हो, नहीं तो इसमें चीनी के सफ़ेद सफ़ेद दाने से जम जाते हैं। इसमें डालकर इसको मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर देंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी गुलकंद तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा करके कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता।